मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के नारपोली पुलिस हद में गोडाउन में चोरी किए गए मोबाइल फोन कल्याण रेलवे पुलिस ने बरामद किए हैं। ये मोबाइल फोन नोकिया कंपनी के हैं, 194 एंड्रॉयड फोन है जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई लोहमार्ग आयुक्तालय क्षेत्र में चलती ट्रेन से यात्रियों के हाथ से मोबाइल फोन चुराने की घटनाओं को रोकथाम के इरादे से कल्याण जीआरपी पुलिस और महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान कल्याण और विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच रेलवे ट्रैक पर 4 अज्ञात युवक हाथों में बैग लेकर चलते हुए ट्रैक पर दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा मगर ये भागने लगे। भागते समय युवकों ने झाड़ियों में थैलियां फेंक दी और फरार हो गए। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो बैग से 194 नोकिया एंड्रॉयड फोन बरामद हुए। जीआरपी ने ये मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन के रेलवे ट्रैक पे हम लोगों ने जो फटका को जो प्रतिबंध करने के लिए कर्मचारियों को इस्तेमाल किया जाता है 24 आवर्स, तो वहाँ पे वाल्मुनी जो फटका पॉइंट है ब्रिज के नीचे, वहाँ पे हमारे दो पुलिसकर्मी, उसमें एक एनएसएफ का जवान और एक अपना स्थानीय पुलिस कर्मचारी तैनात ड्यूटी पे तैनात थे। जब सवेरे 8:45 के समय पे 4 किसम जो है संशय किसम वो अपनी बैग वगैरह लगा के रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे। जब उन्हें संदेह निर्माण हुआ तो अपने पुलिस कर्मियों ने उनको हट्टा याटी रुको रुको किधर जा रहे, क्रॉस क्यों कर रहे, तो वो डर के मारे गुनहगार होने की वजह से उनके हाथ में जो बैग थी वही छोड़ के भाग गए। सर कितने का माल था? वो माल करीबन 35 लाख का है और उसमें 194 जो है मोबाइल ब्रांडेड नोकिया कंपनी के। जब हमने आजू बाजू के जो पुलिस थाने में हिस्सा लिया तो पाते चौकसी जब की गई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नागपुरी पुलिस स्टेशन के हद्दी में वहाँ पे एक मोबाइल का गोडाउन है, वहाँ का सीमेंट का पत्रा जो है ऊपर घुस के 12 रुपये का अंदर घुस के मोबाइल चोरी की हुई, जैसे तहकीकात में पता चला है। उसके बारे में नागपुरी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है और इन्वेस्टिगेशन हमारे तरफ से भी चालू है और नागपुरी पुलिस स्टेशन की तरफ से। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये मोबाइल फ़ोन भिवंडी के एक गोडाउन से चोरी किए गए थे और जिसकी शिकायत नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।